और एक अपाची गाड़ी। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला अस्पताल पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को जनपद में कुल 232 बूथों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, आज कुल 232 बूथों पर हमारा कोविड टीकाकरण का काम चल रहा है और आज का लक्ष्य हमने 58,000 निर्धारित किया है। सर, महाअभियान चलाया जा रहा है लगातार, आप क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो बात पहले दिखाई दे रही थी वो अभी नहीं दिख रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि पहले काफ़ी लोगों को हमने वैक्सीनेट कर लिया है, इसलिए जो भीड़ पहले थी वो अभी नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह है, जो बचे हुए हैं वो आ रहे हैं और टीकाकरण करा रहे हैं। आगे की वैक्सीनेशन के लिए सर कुछ नई भी गाइडलाइन जारी हुई है? हम लोगों के बीच जाएंगे और छोटे छोटे कैंप लगाएंगे, स्प्लिट सेशन लगाएंगे लोगों